हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल आर किचन ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे हरी प्याज की इतनी टेस्टी और मज़ेदार सी सब्ज़ी की आप एक बार बनाएंगे, बार बार बनाकर खाने का मन करेगा। ये बनती ही मज़ेदार और टेस्टी है, तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। ये मैंने 3 से 4 हरी प्याज ली हैं, इनका जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो निकाल दिया है, पीछे से जड़ निकाल दी है, उन्हें साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद इन्हें टुकड़ों में काट लिया है। देखिए, टुकड़ों में काटने के बाद इसे एक बार अच्छे से वॉश कर ले, इसका पानी निकाल दिए। मैंने बेसन लिया 1 कटोरी, इसमें लाल मिर्च 1/2 चम्मच, थोड़ी सी हल्दी 1 चुटकी, थोड़ा सा किचन किंग मसाला, थोड़ा सा सोडा, जीरा और नमक डाल दिया, और इसका थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हल्का सा पेस्ट बना लेंगे। ज़्यादा पतला नहीं बनाना, ज़्यादा गाढ़ा, बस नॉर्मल सा पेस्ट बना लेंगे। धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, इसको मिक्स करके इसका पेस्ट बना लें। कि हमने छोटी छोटी पकौड़ियाँ ऐसी बनानी, सोडा डालने से क्या होता है पकौड़ियाँ हमारी बहुत सॉफ्ट और अंदर से अच्छी बनकर जालीदार बनकर तैयार होती हैं। इस घोल को बनाने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए ढककर रख दें ताकि अच्छे से सेट हो जाए। बेसन फूलता है पानी डालने के बाद। ये मैंने गैस पर कढ़ाई रख दिया है, इसमें सरसों का तेल डाल दिया है। बेसन हमारा सेट हो गया, उसे छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ तल लें। देखिए इस तरह से छोटी छोटी पकौड़ियाँ तल लें। जब ये पकौड़ी अच्छे से एक तरफ से पक जाए, दूसरी तरफ पलट ट्रेन में, दूसरी तरफ से अच्छे से पका लें। हल्का ब्राउन होने तक पकाना, अंदर से ये थोड़ा डालने से तरह से पक जाती है। देखिए पकौड़ी हमारी बन रही है। अच्छे से सीखने के बाद इसे निकाल लें और इसी तरह से सारी पकौड़ियाँ बनाकर तैयार कर लें। ये रेसिपी इतनी टेस्टी और मज़े की बनकर तैयार होगी। अगर आपने एक बार इसका टेस्ट कर लिया तो आपका बार बार मन करेगा इसे खाने का, और ज़्यादा इसमें मसाले भी ऐड नहीं होते। ये देखिए पकौड़ी हमारी बनकर तैयार है। अब इसी ऑयल में हम साग का मसाला तैयार करेंगे। मैंने ये कि मीडियम साइज़ की प्याज है, बारीक कटी हुई है, इसको डालकर इसे फ्राई कर लिया है। प्याज को हल्का सुनहरे होने तक भून लें। इसमें मैंने 1 चम्मच जीरा डाल दिया है, जीरे को भी अच्छे से तड़कने दें। ये थोड़ी सी हींग डाल दी है, ये 1 टमाटर है कटा हुआ, इसे भी अच्छे से भून ले। टमाटर डालने के बाद अब इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करें ताकि टमाटर हमारा अच्छे से गल जाए। ये देखिए, तो मैंने नमक भी डाल दिया है। ये मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट है, ये भी डाल दें, इसे कूटा हुआ है। ये हल्दी 1 चम्मच, सूखे मसाले ऐड करेंगे 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर, ये किचन किंग मसाला है, धनिया पाउडर 2 चम्मच, और इस मसाले को तेल छोड़ने तक पकाना है। अब इसमें जो हमने प्याज काट के रखी थी उन प्याज को डाल दें इसमें, और इसे मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद इसमें कुछ पानी ऐड कर लें, 1 से 1.5 गिलास। अगर आप ज़्यादा पानी चाहते हैं तो ज़्यादा डाल लें, कम चाहते हैं तो कम डाल लें। मैंने 1 गिलास पानी डाला इसमें। इस पानी को उबालना है एक बार तेज़ गैस पे। देखिए पानी हमारा उबल रहा है। अब गैस की लो गैस को धीमा कर दें और इसमें पकौड़ी डाल दें और उसे एक बार 5 मिनट के लिए पका लें बिल्कुल धीमी गैस पर। तो देखिए तैयार है हमारी पकौड़ी और हरी प्याज की सब्ज़ी। आप इसे चावल, पराठे, रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं। खाने में इतनी टेस्टी और मज़े की होती है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।